शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अरेस्ट होने के बाद रेव पार्टी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में। आखिर ये रेव पार्टी होती क्या है? क्या ये कोई नॉर्मल पार्टी होती है या उनसे अलग होती है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। 80s और 90s के दशक में इन रेव पार्टियों की शुरुआत हुई थी। हालांकि ऐसी पार्टियों की शुरुआत उससे करीब 20-30 साल पहले ही हो चुकी थी। लंदन में होने वाली बेहद जोशीली पार्टियों को रेव कहा जाता है। 1980 की डांस पार्टियों से ही रेव का चलन निकला। जैसे जैसे तकनीक और ड्रग्स का जाल फैला, रेव पार्टियों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। भारत में रेव पार्टियों का चलन हिप्पियों ने गोवा में शुरू किया। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में रेव पार्टियों का ट्रेंड बढ़ने लगा। तो रेव पार्टियों में आखिर होता क्या है? रेव पार्टियों में शामिल युवाओं को मस्ती करने की पूरी छूट होती है। एंट्री के लिए भी अच्छी खासी रकम लगती है। भीतर हजारों वॉट के संगीत पर थिरकते युवा होते हैं। कोकीन, हशीश, चरस, LSD, मेफ्रोन, XT जैसे ड्रग्स लिए जाते हैं। अधिकतर रेव पार्टियों में ड्रग्स उपलब्ध कराने का जिम्मा ऑर्गेनाइजर्स का होता है। कुछ रेव पार्टियों में चिल रूम्स भी होते हैं जहां खुलेआम सेक्स होता है। कई क्लब्स में ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स जैसे डिहाइड्रेशन और हाइपरथर्मिया को कम करने के लिए पानी और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी उपलब्ध कराई जाती है।